मुंशी प्रेमचंद की कहानी नरक का मार्ग, कथावाचक सोनम। रात भक्तमाल पढ़ते पढ़ते ना जाने कब नींद आ गई। कैसे कैसे महात्मा थे जिनके लिए भगवत प्रेम ही सब कुछ था, इसी में मग्न रहते थे। ऐसी भक्ति बड़ी तपस्या से मिलती है, क्या मैं वो तपस्या नहीं कर सकती? इस जीवन में और कौन सा सुख रहा है? आभूषणों से जिसे प्रेम हो जाने, यहाँ तो इनको देखकर आंखें फूटती हैं। धन दौलत पर जो प्राण देता हो वो जाने, यहाँ तो इसका नाम सुनकर ज्वर सा चढ़ आता है। कल पगली सुशीला ने कितनी उमंगों से मेरा श्रृंगार किया था, कितने प्रेम से बालों में फूल गूंथे, कितना मना करती रही न मानी, आखिर वही हुआ जिसका मुझे भय था। जितनी देर उसके साथ हंसी थी उससे कहीं ज्यादा रोई। संसार में ऐसी भी कोई स्त्री है जिसका पति उसका श्रृंगार देखकर सिर से पांव तक जल उठे? कौन ऐसी स्त्री है जो अपने पति के मुंह से ये शब्द सुने, तुम लोग मेरा परलोक बिगाड़ोगी और कुछ नहीं, तुम्हारे रंग ढंग कहे देते हैं, और मनुष्य उसका दिल विष खा लेने को चाहे? भगवान, संसार में ऐसे भी मनुष्य हैं। आखिर मैं नीचे चली गई और भक्तमाल पढ़ने लगी। अब वृंदावन बिहारी ही की सेवा करूंगी, उन्हीं को अपना श्रृंगार दिखाऊंगी। वो तो देखकर ना जलेंगे, वो तो हमारे मन का हाल जान लेते हैं। भगवान, मैं अपने मन को कैसे समझाऊं? तुम अंतर्यामी हो, तुम मेरे रोम रोम का हाल जानते हो। मैं चाहती हूँ कि उन्हें अपना इष्ट समझूं, उनके चरणों की सेवा करूं, उनके इशारे पर चलूं, उन्हें मेरी किसी बात से, किसी व्यवहार से नाम मात्र भी दुख ना हो। वो निर्दोष हैं, जो कुछ मेरे भाग्य में था वो हुआ, ना उनका दोष है ना माता पिता का, सारा दोष मेरे नसीबों का ही है। लेकिन ये सब जानते हुए भी जब उन्हें आते देखती हूँ तो मेरा दिल बैठ जाता है, मुंह पर मुर्दनी सी छा जाती है, सिर भारी हो जाता है, जी चाहता है इनकी सूरत न देखूं, बात तक करने को जी नहीं चाहता। कदाचित शत्रु को भी देखकर किसी का मन इतना क्लांत नहीं होता होगा, उनके आने के समय दिल में धड़कन सी होने लगती है। दो एक दिन के लिए कहीं चले जाते हैं तो दिल पर से बोझ उठ जाता है। हंसती भी हूँ, बोलती भी हूँ, जीवन में कुछ आनंद आने लगता है, लेकिन उनके आने का समाचार पाते ही फिर चारों ओर अंधकार। चित्त की ऐसी दशा क्यों है ये मैं नहीं कह सकती। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि पूर्व जन्म में हम दोनों में बैर था, उसी बैर का बदला लेने के लिए उन्होंने मुझसे विवाह किया है। वही पुराने संस्कार हमारे मन में बने हुए हैं, नहीं तो वो मुझे देख देख कर क्यों जलते और मैं उनकी सूरत से क्यों घृणा करती? विवाह करने का तो ये मतलब नहीं हुआ करता, मैं अपने घर इससे कहीं सुखी थी। कदाचित मैं जीवन पर्यंत अपने घर आनंद से रह सकती थी, लेकिन इस लोक प्रथा का बुरा हो, जो अभागिन कन्याओं को किसी न किसी पुरुष के गले में बांध देना अनिवार्य समझती है, वो क्या जानता है कि कितनी युवतियां उसके नाम को रो रही हैं, कितनी अभिलाषाओं से लहराते हुए कोमल हृदय उसके पैरों तले रौंदे जा रहे हैं। युवती के लिए पति कैसी कैसी मधुर कल्पनाओं का स्रोत होता है, पुरुष में जो उत्तम है, श्रेष्ठ है, दर्शनीय है, उसकी सजीव मूर्ति इस शब्द के ध्यान में आते ही उसकी नजरों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन मेरे लिए ये शब्द क्या है? हृदय में उठने वाला शूल, कलेजे में खटकने वाला कांटा, आंखों में गड़ने वाली किरकिरी, अंतःकरण को बेधने वाला व्यंग बाण। सुशीला को हमेशा हंसते देखती हूँ, वो कभी अपनी दरिद्रता का गिला नहीं करती। गहने नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं, भाड़े के नन्हे से मकान में रहती है, अपने हाथों घर का सारा कामकाज करती है, फिर भी उसे रोते नहीं देखती। अगर अपने बस की बात होती तो आज अपने धन को उसकी दरिद्रता से बदल लेती। अपने पतिदेव को मुस्कुराते हुए घर में आते देखकर उसका सारा दुख, दरिद्रमयता छू मंतर हो जाता है, छाती गज भर की हो जाती है। उसके प्रेमालिंगन में वो सुख है जिस पर तीनों लोक का धन न्योछावर कर दूं। आज मुझसे जप्त ना हो सका। मैंने पूछा, तुमने मुझसे किस लिए विवाह किया था?
ये प्रश्न महीनों से मेरे मन में उठता था, पर मन को रोके चली आती थी। आज प्याला छलक पड़ा। ये प्रश्न सुनकर कुछ बौखला से गए, बगले झांकने लगे, खीसे निकालकर बोले, घर संभालने के लिए, गृहस्थी का भार उठाने के लिए, और नहीं क्या भोग विलास के लिए। घरनी के बिना ये आपको भूत का डेरा सा मालूम होता था। नौकर चाकर घर की संपत्ति उड़ाए देते थे। जो चीज जहां पड़ी रहती थी कोई उसको देखने वाला ना था। तो अब मालूम हुआ, मैं इस घर की चौकसी के लिए लाई गई हूँ। मुझे इस घर की रक्षा करनी चाहिए और अपने को धन्य समझना चाहिए कि ये सारी संपत्ति मेरी है। मुख्य वस्तु संपत्ति है, मैं तो केवल चौकीदारिन हूँ। ऐसे घर में आज ही आग लग जाए। अब तक तो मैं अनजाने में घर की चौकसी करती थी। जितना वो चाहते हैं उतना ना सही, पर अपनी बुद्धि के अनुसार अवश्य करती थी। आज से किसी चीज को भूल कर भी छूने की कसम खाती हूँ। ये मैं जानती हूँ, कोई पुरुष घर की चौकसी के लिए विवाह नहीं करता। और इन महाशय ने चिढ़ कर ये बात मुझसे कही। लेकिन सुशीला ठीक कहती है, इन्हें स्त्री के बिना घर सूना लगता होगा, उसी तरह जैसे पिंजरे में चिड़िया को न देखकर पिंजरा सूना लगता है। ये हम स्त्रियों का भाग्य। मालूम नहीं इन्हें मुझ पर इतना संदेह क्यों होता है। जब से नसीब इस घर में लाया है, इन्हें बराबर संदेह मूलक कटाक्ष करके देखती हूँ। क्या कारण है? जरा बाल गुथवा कर बैठी और ये होंठ चबाने लगे। कहीं जाती नहीं, कहीं आती नहीं, किसी से बोलती नहीं, फिर भी इतना संदेह। ये अपमान असह्य है। क्या मुझे अपनी आबरू प्यारी नहीं? ये मुझे इतनी छिछोरी क्यों समझते हैं? इन्हें मुझ पर संदेह करते लज्जा भी नहीं आती। काना आदमी किसी को हंसते देखता है तो समझता है लोग मुझी पर हंस रहे हैं। शायद इन्हें भी यही वहम हो गया है कि मैं इन्हें चिढ़ाती हूँ। अपने अधिकार के बाहर से बाहर कोई काम कर बैठने से कदाचित हमारे चित्त की यही वृत्ति हो जाती है। भिक्षुक राजा की गद्दी पर बैठकर चैन की नींद नहीं सो सकता। उसे अपने चारों तरफ शत्रु दिखाई देंगे। मैं समझती हूँ सभी शादी करने वाले बुड्ढों का यही हाल है। आज सुशीला के कहने से मैं ठाकुर जी की झांकी देखने जा रही थी। अब ये साधारण बुद्धि का आदमी भी समझ सकता है कि फूहड़ बहू बनकर बाहर निकलना अपनी हंसी उड़ाना है। लेकिन आप उसी वक्त ना जाने किधर से टपक पड़े और मेरी ओर तिरस्कार पूर्ण नेत्रों से देखकर बोले, कहाँ की तैयारी है? मैंने कह दिया, जरा ठाकुर जी की झांकी देखने जाती हूँ। इतना सुनते ही त्योरियां चढ़ाकर बोले, तुम्हारे जाने की कोई जरूरत नहीं। जो अपने पति की सेवा नहीं कर सकती उसे देवताओं के दर्शन से पुण्य के बदले पाप होता है। मुझसे उड़ने चली हो? मैं औरतों की नस नस पहचानता हूँ। ऐसा क्रोध आया कि बस अब क्या कहूँ। उसी दम कपड़े बदल डाले और प्रण कर लिया कि अब दर्शन करने कभी ना जाऊंगी। इस अविश्वास का भी कुछ ठिकाना है? ना जाने क्या सोच कर रुक गई। उनकी बात का जवाब तो यही था कि उसी क्षण घर से चल खड़ी हुई होती, फिर देखती मेरा क्या कर लेते। इन्हें मेरा उदास और विमन रहने पर आश्चर्य होता है। मुझे मन में कृतघ्न समझते हैं। अपनी समझ में इन्होंने मेरे साथ विवाह करके शायद मुझ पर बड़ा एहसान किया है। इतनी बड़ी जायदाद और इतनी विशाल संपत्ति की स्वामिनी होकर मुझे फूले न समाना चाहिए था। आठों पहर इनका यशोगान करते रहना चाहिए था। मैं ये सब कुछ न करके उल्टे और मुंह लटकाए रहती हूँ। कभी कभी मुझे बेचारे पर दया आती है। ये नहीं समझते कि नारी जीवन में कोई ऐसी वस्तु भी है जिसे देखकर उसकी आंखों में स्वर्ग भी नरक तुल्य हो जाता है। 3 दिन से बीमार हैं। डॉक्टर कहते हैं बचने की कोई आशा नहीं, निमोनिया हो गया है। पर मुझे ना जाने क्यों इनका गम नहीं है। मैं इतनी वज्र हृदय कभी ना थी। ना जाने वो मेरी कोमलता कहाँ चली गई। किसी बीमार की सूरत देखकर मेरा हृदय करुणा से चंचल हो जाता था। मैं किसी का रोना नहीं सुन सकती थी। वही मैं हूँ कि आज 3 दिन से उन्हें बगल के कमरे में पड़े कराहते सुनती हूँ और एक बार भी उन्हें देखने ना गई। आंखों में आंसू का जिक्र ही क्या। मुझे ऐसा मालूम होता है इनसे मेरा कोई नाता ही नहीं। मुझे चाहे कोई पिशाचिनी कहे, चाहे कुल्टा,
पर मुझे तो ये कहने में लेश मात्र भी संकोच नहीं है कि इनकी बीमारी से मुझे एक प्रकार का ईर्ष्यामय आनंद आ रहा है। इन्होंने मुझे यहाँ कारावास दे रखा था। मैं इसे विवाह का पवित्र नाम नहीं देना चाहती, ये कारावास ही है। मैं इतनी उदार नहीं हूँ कि जिसने मुझे कैद में डाल रखा हो उसकी पूजा करूँ, जो मुझे लातों से मारे उसके पैरों को चूमूं। मुझे तो मालूम हो रहा था ईश्वर इन्हें इस पाप का दंड दे रहे हैं। मैं निसंकोच होकर कहती हूँ कि मेरा इनसे विवाह नहीं हुआ है। स्त्री किसी के गले में बांध दिए जाने से ही उसकी विवाहिता नहीं हो जाती। वही संयोग विवाह का पद पा सकता है जिसमें कम से कम एक बार तो हृदय प्रेम से पुलकित हो जाए। सुनती हूँ महाशय अपने कमरे में पड़े पड़े मुझे कोसा करते हैं, अपनी बीमारी का सारा बुखार मुझ पर निकालते हैं, लेकिन यहाँ इसकी परवाह नहीं। जिसको जी चाहे जायदाद दे, धन दे, मुझे इसकी जरूरत नहीं। आज 3 दिन हुए मैं विधवा हो गई, कम से कम लोग यही कहते हैं, जिसका जो जी चाहे कहे। पर मैं अपने को जो कुछ समझती हूँ वो समझती हूँ। मैंने चूड़ियाँ नहीं तोड़ी, क्यों तोड़ूं? मांग में सिंदूर पहले भी न डालती थी, अब भी नहीं डालती। बूढ़े बाबा का क्रिया कर्म उनके सुपुत्र ने किया, मैं पास न फटकी। घर में मुझ पर मनमानी आलोचनाएं होती हैं। कोई मेरे गुथे हुए बालों को देखकर नाक सिकोड़ता है, कोई मेरे आभूषणों पर आंख मटकाता है। यहाँ इसकी चिंता नहीं, उन्हें चिढ़ाने को मैं भी रंग बिरंगी साड़ियां पहनती हूँ और भी बनती संवरती हूँ। मुझे जरा भी दुख नहीं है, मैं तो कैद से छूट गई। इधर कई दिन सुशीला के घर गई, छोटा सा मकान है, कोई सजावट ना सामान, चारपाइयां तक नहीं, पर सुशीला कितने आनंद से रहती है। उसका उल्लास देखकर मेरे मन में भी भांति भांति की कल्पनाएं उठने लगती हैं। उन्हें कुत्सित क्यों कहूं, जब मेरा मन उन्हें कुत्सित नहीं समझता। इनके जीवन में कितना उत्साह है, आंखें मुस्कुराती रहती हैं, ओठों पर मधुर हास्य खेलता रहता है, बातों में प्रेम का स्रोत बहता हुआ जान पड़ता है। इस आनंद से चाहे वो कितना ही क्षणिक हो, जीवन सफल हो जाता है, फिर उसे कोई भूल नहीं सकता, उसकी स्मृति अंत तक के लिए काफी हो जाती है। इस मिजराब की चोट हृदय के तारों को अंतकाल तक मधुर स्वरों में कंपित रख सकती है। एक दिन मैंने सुशीला से कहा, अगर तेरे पतिदेव कहीं परदेश चले जाए तो रोते रोते मर जाएगी। सुशीला गंभीर भाव से बोली, नहीं बहन, मरूंगी नहीं, उनकी याद सदैव प्रफुल्लित करती रहेगी, चाहे उन्हें परदेश में बरसों लग जाएं। मैं यही प्रेम चाहती हूँ, इसी चोट के लिए मेरा मन तड़पता रहता है। मैं भी ऐसी ही स्मृति चाहती हूँ जिससे दिल के तार सदैव बजते रहें, जिसका नशा नित्य छाया रहे। रात होते होते हिचकियां बंद गईं, ना जाने क्यों दिल भर आता था, अपना जीवन सामने एक बीहड़ मैदान की भांति फैला हुआ मालूम होता था, जहां बगुलों के सिवा हरियाली का नाम नहीं। घर फाड़े खाता था, चित्त ऐसा चंचल हो रहा था कि कहीं उड़ जाऊं। आजकल भक्ति के ग्रंथों की ओर ताकने को जी नहीं चाहता, कहीं सैर करने जाने की भी इच्छा नहीं होती। क्या चाहती हूँ वो मैं स्वयं भी नहीं जानती, लेकिन मैं जो जानती वो मेरा एक एक रोम जानता है। मैं अपनी भावनाओं की संजीव मूर्ति हूँ, मेरा एक एक अंग मेरी आंतरिक वेदना का अंतर्नाद हो रहा है। मेरे चित्त की चंचलता उस अंतिम दशा को पहुंच गई है जब मनुष्य को निंदा की ना लज्जा रहती है ना भय। जिन लोभी स्वार्थी माता पिता ने मुझे कुएं में ढकेला, जिस पाषाण हृदय प्राणी ने मेरी मांग में सेंदूर डालने का स्वांग किया, उनके प्रति मेरे मन में बार बार दुष्कामनाएं उठती हैं। मैं उन्हें लज्जित करना चाहती हूँ, मैं अपने मुंह में कालिक लगाकर उनके मुख में कालिक लगाना चाहती हूँ, मैं अपने प्राण देकर उन्हें प्राण दंड दिलाना चाहती हूँ। मेरा नारीत्व लुप्त हो गया है, मेरे हृदय में प्रचंड ज्वाला उठी हुई है। घर के सारे आदमी सो रहे थे, मैं चुपके से नीचे उतरी, द्वार खोला और घर से निकली, जैसे कोई प्राणी गर्मी से व्याकुल होकर घर से निकले और किसी खुली हुई जगह की ओर दौड़े। उस मकान में मेरा दम घुट रहा था, सड़क पर सन्नाटा था, दुकानें बंद हो चुकी थी,
सहसा एक बुढ़िया आती हुई दिखाई दी। मैं डरी, कहीं ये चुड़ैल ना हो। बुढ़िया ने मेरे समीप आकर मुझे सिर से पांव तक देखा और बोली, किसकी राह देख रही हो? मैंने चिढ़कर कहा, मौत की। बुढ़िया, तुम्हारे नसीबों में तो अभी जिंदगी के बड़े बड़े सुख भोगने लिखे हैं। अंधेरी रात गुजर गई, आसमान पर सुबह की रोशनी नजर आ रही है। मैंने हंसकर कहा, अंधेरे में भी तुम्हारी आंखें इतनी तेज हैं कि नसीबों की लिखावट पढ़ लेती हो। बुढ़िया, आंखों से नहीं पढ़ती बेटी, अकल से पढ़ती हूँ। धूप में चूड़े नहीं सफेद किए हैं। तुम्हारे दिन गए और अच्छे दिन आ रहे हैं। हंसो मत बेटी, यही काम करते इतनी उम्र गुजर गई है। इस बुढ़िया की बदौलत जो नदी में कूदने जा रही थी, वो आज फूलों की सेज पर सो रही है। जो जहर का प्याला पीने को तैयार थी, वो आज दूध की कुल्लियां कर रही है। इसलिए इतनी रात गए निकलती हूँ कि अपने हाथों किसी अभागिन का उद्धार हो सके तो करूँ। किसी से कुछ नहीं मांगती, भगवान का दिया सब कुछ घर में है। केवल यही इच्छा है उन्हें धन, जिन्हें संतान की इच्छा है उन्हें संतान। बस और क्या कहूँ, वो मंत्र बता देती हूँ कि जिसकी जो इच्छा हो वो पूरी हो जाए। मैंने कहा, मुझे न धन चाहिए न संतान, मेरी मनोकामना तुम्हारे बस की बात नहीं है। बुढ़िया हंसी, बेटी जो तुम चाहती हो वो मैं जानती हूँ। तुम वो चीज चाहती हो जो संसार में होते हुए स्वर्ग की है, जो देवताओं के वरदान से भी ज्यादा आनंदप्रद है, जो आकाश कुसुम है, गूलर का फूल है और अमावस का चांद है। लेकिन मेरे मंत्र में वो शक्ति है जो भाग्य को भी संवार सकती है। तुम प्रेम की प्यासी हो, मैं तुम्हें उस नाव पर बैठा सकती हूँ जो प्रेम के सागर में प्रेम की तरंगों पर क्रीड़ा करती हुई तुम्हें पार उतार दे। मैंने उत्कंठित होकर पूछा, माता तुम्हारा घर कहाँ है? बुढ़िया, बहुत नजदीक है बेटी, तुम चलो तो मैं अपनी आंखों पर बैठा कर ले चलूं। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि ये कोई आकाश की देवी है, उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वो बुढ़िया जिसे मैं आकाश की देवी समझती थी नरक की डायन निकली। मेरा सर्वनाश हो गया, मैं अमृत खोजती थी विष मिला। निर्मल स्वच्छ प्रेम की प्यासी थी, गंदे विषाक्त नाले में गिर पड़ी। वो वस्तु ना मिलनी थी ना मिली। मैं सुशीला का सा सुख चाहती थी, उल्टाओं की विषय वासना नहीं। लेकिन जीवन पथ में एक बार उल्टी राह चलकर फिर सीधे मार्ग पर आना कठिन है। लेकिन मेरे अधा पतन का अपराध मेरे सिर नहीं, मेरे माता पिता और उस बूढ़े पर है जो मेरा स्वामी बनना चाहता था। मैं ये पंक्तियां ना लिखती, लेकिन इस विचार से लिख रही हूँ कि मेरी आत्मकथा पढ़कर लोगों की आंखें खुले। मैं फिर कहती हूँ कि अब भी अपनी बालिकाओं के लिए मत देखो धन, मत देखो जायदाद, मत देखो कुलीनता, केवल वर देखो। अगर उसके लिए जोड़े का वर नहीं पा सकते तो लड़की को कुंवारी रख छोड़ो, जहर देकर मार डालो, गला घोट दो, पर किसी बूढ़े खूसट से मत ब्याहो। स्त्री सब कुछ सह सकती है, दारुण से दारुण दुख, बड़े से बड़ा संकट। अगर नहीं सह सकती तो अपने यौवन काल की उमंगों का कुचला जाना। रही मैं, मेरे लिए अब इस जीवन में कोई आशा नहीं। इस अधम दशा को भी उस दशा से न बदलूंगी जिससे निकल कर आई हूं। मुंशी प्रेमचंद की कहानी नरक का मार्ग, कथावाचक